सो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो यार, मेरे आज के वीडियो से हो सकता है बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, तो मैं उससे स्टार्टिंग में माफी मांग लेता हूँ। सबसे पहले तो कार्तिक आर्यन को पकड़ के लाओ, सेके हुए बैगन को। मेरे को पूछना है कि भाई तूने अलावेनिलकम लोक के अंदर क्या देखा मेरे भाई, क्या देखा तुमने? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आज से पहले अलावेनिलकम तो नहीं देखी थी। मैं इसका हिंदी वर्जन का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था, एंड आज जाके मैंने इसको हिंदी में पूरे के पूरा देखा है। एंड मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ, प्लीज दिल पे हाथ रख के बताना, इस मूवी में अगर अल्लू अर्जुन नहीं होता तो ये मूवी का क्या हाल होता था? प्लीज मेरे को आप बताओ यार, अगर इस मूवी में से आप अल्लू अर्जुन को निकाल दोगे तो मूवी में क्या बचेगा? प्लीज मेरे को बताओ यार। देखो मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ इस मूवी की, आप सुन के जाओ यार। ये मूवी के अंदर अगर आप अल्लू अर्जुन को निकाल दोगे ना, किसी और को, इतने भी बड़े सुपरस्टार को इसमें ऐड कर दो, मेरा घंटा, ये मूवी इतनी बकवास बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते यार। अभी इस टाइम पे जिस जिसने भी मतलब अलावेनिलकम तो देखी है ढिंचाक चैनल पे या फिर कहीं से भी, किस तरह से भी अल्लू अर्जुन की ये मूवी देखने के लिए जो भी बंदा बैठा था, वो सिर्फ अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बैठा था, सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन के लिए। वो ये मूवी को देखने के लिए बैठा ही नहीं था, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोग को। मैं स्टार्टिंग के मतलब 10 मिनट के बाद ही इसके अंदर सिर्फ अल्लू अर्जुन को इंजॉय कर रहा था, साला मूवी में कुछ था ही नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन का डांस, उस बंदे का एक्शन, और एक्शन तो भाई जिस तरह से स्लो मोशन में मारता है, मतलब अल्लू अर्जुन का एक्शन, उनका डांस स्टेप यार, उनकी डायलॉग डिलीवरी यार, मैं सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्सप्रेशन में सिर्फ वही इंजॉय कर रहा था इसके अंदर यार। इतनी मतलब इसकी स्टोरी क्या यार, सिर्फ बच्चा अदला बदली हो जाता है, एंड भाई जिसका जो हक होता है महल में पल रहा है, मतलब जिसका हक होता है, जिसको महल में पलना चाहिए वो गरीब घर में पल रहा है, एंड जिसको गरीब घर में पलना चाहिए वो महल में पल रहा है, मतलब और जिस तरह से मतलब ये चलते रहता चलता रहता चलता रहता है, मतलब कुछ क्या बोलूँ मैं यार, इतनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है कि मैं आपको क्या बोलूँ। बट फिर भी इसको बोलते अल्लू अर्जुन का स्टारडम, इसको बोलते अल्लू अर्जुन का क्रेज, मतलब ऐसी मूवी जिस मूवी में कुछ है ही नहीं है, उस मूवी का इतना हंगामा आप देखो यार, उस मूवी का इतना हंगामा। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा इस मूवी का रीमेक क्यों। अरे भाई आप लोग को रीमेक करना ही है तो ऐसी मूवी का करो कि लोग उसको देखने के लिए जाए। ये मूवी ऐसा हगने वाली है ना बेटा कार्तिक, यार तेल निकल जाएगा, आप लिख के रख लो यार, एंड दिल पे हाथ रख के बताना यार, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन को देखने के लिए इस मूवी को आपने पूरा कंप्लीट किया होगा यार। अगर कोई और हीरो होता इसके अंदर तो मेरा घंटा आधी मूवी छोड़ के आप टीवी बंद करके देना, इससे अच्छा तो आईपीएल का ऑप्शन देख लेते आप लोग। मैं सिर्फ अल्लू अर्जुन की वजह से इस मूवी को पूरा देखा है, एंड सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्सप्रेशन, उस बंदे का डांस, उस बंदे का एक्शन, सिर्फ इस ये सब देखने के लिए इस मूवी को देख रहा था मैं। बाकी इसका जो कंटेंट है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, या मतलब स्टोरी इतनी फीकी है, इतनी फीकी है कि मैं क्या बोलूँ। सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन को आप निकाल दो तो घंटा इस मूवी में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता है। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कार्तिक आर्यन इसका रीमेक करके क्या करेगा। अच्छा देखो ओवरऑल मैं इस मूवी की बात करूँ तो यार देखो मूवी की स्टोरी तो काफी एवरेज है। आई होप कि आप मेरी से बातों से एग्री करो, बिकॉज जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इस मूवी की स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है, इसमें अल्लू अर्जुन के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन है, दूसरा इस मूवी में कुछ है ही नहीं। एंड संकेत माता ने आवाज़ देता है भाई, डबिंग तो बेहतर हो ही जाती है। एंड एनी वेज देखो अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो मेरे को अल्लू अर्जुन को देखने का बहुत मजा आया, एंड इस मूवी का मैंने इतना वेट किया था तो भाई मैं सिर्फ अल्लू अर्जुन की वजह से इस मूवी का वेट कर रहा था। एंड वैसे भी मेरे को पता था इस मूवी की स्टोरी सिंपल होने वाली है, बट इतनी भी सिंपल होगी मेरे को यह नहीं पता था। एनी वैसे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई मैंने अभी अभी अलावेनिलकम का हिंदी वर्जन देख लिया, एंड भाई इसकी स्टोरी देखने के बाद इसका डुप्लीकेट वर्जन कोई मेरे को गाड़ पर लात मार के भी बोलेगा ना कि भाई इसका डुप्लीकेट वर्जन तू थिएटर में देखने जा, मेरा घंटा मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज अल्लू अर्जुन की वजह से इस मूवी को मैंने देख लिया। बट कार्तिक आर्यन या फिर कोई दूसरा इस हीरो होगा इस मूवी के अंदर और ऐसी स्टोरी होगी तो घंटा मैं नहीं झेल पाऊंगा, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। एनीवेज भाई अलावेनिलकम का मैंने हिंदी वर्जन देखा है, मेरे को मजा आया सिर्फ अल्लू अर्जुन को देखने का। अगर आप लोगों ने देखे तो प्लीज मेरे को दिल पे हाथ रख के बताना, ये मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन के अलावा कोई और होता इसका इतना क्रेज होता, इसका इतना बस होता, इतनी कंट्रोवर्सी होती, एंड आप इस मूवी को पूरा देखते यार, यार पूरा मतलब जो भी इस मूवी को देखने के लिए बैठा होगा ना, सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बैठा होगा इस मूवी को नहीं, ये सच बात है। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कार्तिक आर्यन मैं आप कसम से बोल रहा हूँ, मैं कसम से क्या बोलूँ यार, छोड़ो घंटा कुछ बोलना ही नहीं है। ये मूवी देखने के बाद मेरे को हलक तक विश्वास है, हलक तक ये मूवी ऐसा हगेगी कि साला तुम लोग को छुपाने के लिए डायपर भी नहीं मिलेगा, याद रखते चलो। बाय बाय।